कहते हो ना अछूत हूँ मैं कहती हूँ कि पाक साफ हूँ मैं, तुम्हारी जुअन से मैली हुई हूँ आज मैं। इसका मतलब पता है तुम्हें कि तुम अछूत हो मैं नहीं। समझते क्या हो तुम खुद को, खुद को पाक साफ बताने वाले तुम तो जानवरों से भी बदतर हो। अरे जानवरों में भी तुमसे ज्यादा दया होती है, पर तुम तो उन्हें भी मुंह दिखाने लायक नहीं हो और कहते हो कि मैं अछूत हूं। अच्छा ठीक है, तुम अपने आप को बहुत साफ बताते हो ना, आज तुम्हारा मत भी सुन लेते हैं। कसूर था मेरा कि लड़की थी मैं, कसूर था मेरा कि गरीब घर की थी मैं, कसूर था मेरा कि छोटे कपड़े डाले थे मैंने, कसूर था मेरा जो रात को अकेले निकली थी बाहर, कसूर था मेरा। अरे पता नहीं था ना मुझे कि वहशी दरिंदे घूमते हैं बाहर, वो भी शरेआम। बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था मुझे, बाहर जाना ही नहीं चाहिए था मुझे। अरे घर पर बैठे रहना चाहिए था मुझे, पर वो 3 महीने की बच्ची, वो 4 महीने की बच्ची, वो न्यू बॉर्न बेबी, वो 4 साल की बच्ची, उनका क्या कसूर था? उन्होंने छोटे कपड़े डाले थे या अपनी तरफ तुम्हें अट्रैक्ट किया था? उनके साथ क्यों हुआ फिर ये? अरे शर्म करो शर्म, तुम्हें पता है ये सब तो 80 साल की बुढ़िया, 60 साल की बुजुर्ग, 30 साल की लड़की, 19 साल की लड़की, 15, 20, 21 न्यू बॉर्न बेबी, 3 महीने की, 4 महीने की, 8 महीने की, 8 साल की, 9 साल की, 10 साल की, ना जाने कितनी लड़कियों के साथ हुआ है, पर हम आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। तुम खुद को पाक साफ बताते हो ना और कहते हो कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तो ये फैक्ट सुनो, रेप इज द 4th मोस्ट कॉमन क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2018 एनुअल रिपोर्ट ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। 33356 रेप केसेस वर रिपोर्टेड अक्रॉस द कंट्री और एन एवरेज ऑफ 91 रेप्स डेली। वाओ कितनी अच्छी बात है ना, कितनी प्राइड की बात है ना, ये कितनी गर्व की बात है ना, बहुत प्राइड फील करते हो ना ये सब कुछ सुनकर, क्योंकि तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं था ना। कसूर तो हम लड़कियों का था कि हम लड़की थी इसलिए हुआ है हमारे साथ। अरे ये गिनती तो आधी बताई है, अभी तो आधों के मुंह बंद करवा दिए जाते हैं ये बोलकर कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, दिमाग खराब हो चुका है ये सुन सुन कर मेरा। अरे भाड़ में जाने दो लोगों को। एक बात बताऊं तुम्हें, शायद तुम्हें याद नहीं, तुम उसी देश से हो, उसी भारत से हो जहां एक स्त्री के मान के लिए महाभारत तक हो गया था, पर अब ये कहकर तुम अपनी बच्चियों को, तुम अपनी महिलाओं को, तुम अपनी बेटियों को, तुम अपनी औरतों को चुप करवा देते हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे शर्म करो थोड़ी शर्म। रावण की लंका भी जली थी सीता के मान के लिए, शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे, अब हम स्त्रियों को ही शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे क्योंकि गोविंद ना आएंगे इस बार हमें बचाने। चुप्पी हमें तोड़नी ही पड़ेगी
क्योंकि कोई हमारा साथ देने नहीं खड़ा है, हम हमें चुप करवाने खड़े हैं। अगर अपनी बेटियों को सीख देते हो ना, तो अपने बेटों को भी सीख देना शुरू करो। उन्हें बताओ कि इज्जत क्या होती है, इज्जत करना क्या होता है। क्योंकि अगर आज तुमने आवाज ना उठाई ना, कल अगर तुम्हारे किसी अपने के साथ ये हुआ तो बहुत पछताओगे। इसलिए अपनी बेटियों की आवाज बनो, उनकी आवाज दबाओ मत, और लड़ना सिखाओ उन्हें, और खुद भी लड़ना शुरू करो। क्योंकि 4 दिनों की कैंडल मार्च से ना 7 साल बाद ही इंसाफ मिलेगा। इसलिए आवाज अगर आज ना उठाई ना, तो बाद में पछताना जरूर पड़ेगा। आवाज उठाओ और अपने बेटों को तमीज सिखाओ, अपनी बेटियों को लड़ना सिखाओ, चुप मत करवाओ। आवाज उठाओ गलत के खिलाफ, क्योंकि अब 7 साल का इंतजार नहीं होगा किसी से। अब हमें फैसला चाहिए, वो भी तुरंत। आवाज उठाओ, अभी मौका है आवाज उठाने का। आवाज उठाओ, लड़कियों को हिम्मत दो, उनकी आवाज बनो, उन्हें लड़ना सिखाओ। और लड़कियों को एक बात जरूर कहूंगी मैं कि शस्त्र उठा लो द्रौपदी, अब गोविंद ना आएंगे। शस्त्र उठा लो, इसलिए लड़ना शुरू कर लो खुद के लिए, और आवाज उठानी शुरू करो, और आवाज बनो अपनी बेटियों की, उनके मुंह मत बंद करवाओ। आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ।